हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट क्वेश्चन सीरीज़ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 5 और एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले जो क्लास हुई थी आपकी, उसमें भी हमने 5 एमसीक्यूज़ किए थे, वो पार्ट 1 था और यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, व्हेन वाज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब लॉन्च हुई थी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद की बात की जा रही है। अक्सर जब फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस के पहले वाले और इंडिपेंडेंस के बाद वालों में स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी अभी भी लॉन्च हुई है, तो हो सकता है जो एग्ज़ाम हो उसमें आपके एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 1966, सेकेंड ऑप्शन है 1969, देन आपका ऑप्शन थर्ड है 1968 एंड ऑप्शन फोर्थ है 1955। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1968। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कमिटी फॉर्म टू फॉर्मुलेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी कमेटी है जिसको फॉर्म किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए। तो आपको पता है जितने भी हम एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात करते हैं, जितने भी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, इन सबको बनाने के लिए कोई ना कोई कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। और आपने जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होगी तो उसके साथ साथ आपने कमेटीज़ के बारे में भी पढ़ा होगा कि उसके चेयरमैन कौन थे, मेम्बर्स कौन थे। इसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी आपको इसकी कमेटी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फॉर्मुलेट की है उस कमेटी का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके ए कस्तूरी रंजन कमेटी, ऑप्शन बी है आपका सुब्रमण्यम कमेटी, ऑप्शन सी है आपका कोठारी कमेटी एंड ऑप्शन डी है आपका यशपाल कमेटी। सो राइट आंसर इज कस्तूरी रंजन कमेटी। तो अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दिया हुआ है तो अच्छी बात है। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जगह कहीं आपको कस्तूरी रंजन कमेटी करके कोई रिपोर्ट दी हुई है तो वो भी आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही समझना है, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट शुड बी द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी स्कूल टिल ईयर 2035। तो सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए 2035 तक, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। तो इन्होंने कितना परसेंट बताया है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, दैट इज 100%। 100% बोला गया है कि जितने हमारी एनरोलमेंट होती है, ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल का, वो 100% होना चाहिए टिल ईयर 2035। मतलब इंडिया को अपना एक एम बनाना है कि 2035 तक हमारे जो स्कूल्स होंगे, जो सेकेंडरी स्कूल्स होंगे, वहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट 100% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वट शुड बी द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो परसेंटेज ऑफ हायर एजुकेशन टिल ईयर 2035। कि हायर एजुकेशन में आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहले में आपका सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम का पूछा हुआ है, दूसरे में आपका हायर एजुकेशन सिस्टम का पूछा हुआ है। तो हायर एजुकेशन का कितना होना चाहिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये आपका 50% होना चाहिए। कि मतलब जितने लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन लिया है उसमें से एटलीस्ट 50% तो यहाँ पर आए ही आए, हमारे हायर एजुकेशन का पार्ट बने ही बने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 50%। इन दोनों का जो डेटा है वो याद रखेगा, और ये जो डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये परसेंटेज में है, एक्सक्यूज मी, ये परसेंटेज में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मतलब जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है ये परसेंटेज में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो ड्राफ्ट बना है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसकी कमेटी का चेयरमैन कौन था। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि चेयरमैन और मेंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंबर्स के नाम आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पर चेयरमैन के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैंशन नहीं किया है, मैं यहाँ पर मैंशन कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे हो सकता है किसी को रमेश पोखरियाल निशांक लग रहे हो, बट राइट आंसर आपका है कस्तूरी रंजन। ठीक है, चेयरमैन इसकी कस्तूरी रंजन, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन को बनाया गया था। तो ये आज के आपके 5 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। ये सीरीज़ हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।